आपको स्वागत है इसकी डिश में। आज आपको बताऊंगा आपका स्वार्थ प्रार्थना पत्र। यह क्लास जिसके लिए वे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार लिखेंगे आप। सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लिखना है श्रीमंता श्रीमंता प्राचार प्राचार्य प्राचार्य महोदया प्राचार महोदया यहाँ पर भी सरल का हुए। इसके बाद लिखोगे शासकीय शासकीय उच्चतर 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 माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक माध्यमिक माध्य विद्यालय आपका कौन सा है लिखने में आरोन लिख देता हूँ और ये कहाँ है मध्य प्रदेश में है, तो आपको मध्य प्रदेश डालना होगा। ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश झारखंड झारखंड गुजरात और ओके दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर विषय लिखना है, तो ये विषय होता है यहाँ पर संस्कृत में विषय लगती है और हमारा विषय है आपका साथ प्रार्थना पत्र। आपका साथ प्रार्थना पत्र। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़कर लिखना है श्रीमंता। इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है सेवायाम सबनियम सविनयम ऊपर बिंदी चढ़ेगी इसमें सबनियम निवेदनम 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 इत इदम चलिए। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ से इद यद अहम यद अहम के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यद अहम अद अद अस्का अकस्मात अकस्माद अकस्मात ज्वर पीड़ित ज्वर ज्वर पीड़ित पीड़िता अस्मिन जाएगा बुखार से पीड़ित है अतः इसके ऊपर लगाना आपको अतः ए विद्यालय विद्यालय आगंतु विद्यालय आने में आगंतु सर्वथा 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 असमर्थ रखेगी यहाँ पर असमर्थ असमर्थ विद्यालय आने में असमर्थ है क्योंकि वह बीमार है। इसके बाद आपको कितने दिन की छुट्टी लेनी है और आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो कृपया
कृपया मैं कितना मिनट लेना चाहता हूँ, मैं आपको इस उदाहरण के तौर पर पाँच इफ्साना बता देता हूँ। पाँच मिनट लेना चाहता हूँ तो मैं आपको डाल दूँगा पाँच इफ्साना। आप लेना चाहते हो 6 दिन 7 दिन तो लिख सकता है आप आराम से, कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप पेपर में आया हो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। आपका मैं 5 दिन का लिख लेना ले रहा हूँ तो मैं 5 दिन लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे अवकाशम, संस्कृत भाषा है। यशंतु मतलब कि प्राप्त करना चाहता है। इच्छा उसकी यशंतु, यशंतु इति। इसके बाद ये पॉइंट लिखना है आपको, सभी विनियम प्रार्थयामि, सभी विनियम प्रार्थयामि। यहाँ पर आपको दिनांक डालना है, यहाँ पर आपको आपका नाम डालना है, भक्ति भक्ति या शिष्य हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो भी नाम हो डाल देना, ठीक है डाल देता हूँ। इसके बाद आपको कक्षा डालना है तो यहाँ पर 10वीं डालना है आपको, और वर्ग डालना है। हाँ, और हमारी वीडियो ख़त्म हो गई है तो मैं यहाँ पर ले दूँगा। थैंक्स वॉच माई वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल SKT।